करेंगे चैप्टर वन नंबर सिस्टम क्लास नाइन नंबर सेकंड का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम तीन साथ कर लेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 1.1 करा था और हमने उसके 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन कर लिए थे और हम ये करेंगे 1.2। तो हम आज इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसमें बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें पूछा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। इसका आंसर एवरी इरेशनल नंबर से रियल नंबर क्या सारे इरेशनल नंबर के सारे इरेशनल नंबर जो रूट में आता है वो रियल नंबर है। तो ये है बिल्कुल राइट, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल से बने होते हैं, और जो सारे इरेशनल होते हैं वो उल्टा जाते रियल नंबर, वो रियल नंबर सारे होंगे, इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर होंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज एन एक्सोनल नंबर। बोला है एवरी पॉइंट नंबर लाइन में एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ एम रूट, वो कोई रूट एम में होगा। वेयर इज एम इज ए नेचुरल नंबर, क्या एम वो नेचुरल नंबर होगा? तो यहाँ हम बोलेंगे ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि रूट एम माइनस भी हो सकता है, -2, -√2 ठीक है, ये हो सकता है, -3 ये भी हो सकता है, तो ये होगा फॉल्स। एवरी रियल नंबर इसे इरेशनल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कुछ इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो इसका हो गया पहले का हमारा ट्रू, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, और सेकंड है फॉल्स क्योंकि वो माइनस में भी हो सकते हैं, और थर्ड है रियल, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। इसमें बोला है सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1.1.2 का। बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल, ठीक है, ये बोला है क्या? उसमें बोला है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर होते हैं क्या? सारे स्क्वायर रूट, बोला है जो 2+√3 ये सारे उसमें होंगे, किसमें? ये सारे इरेशनल नंबर होंगे, ये बोला है इसमें, ठीक है। जो दो पॉजिटिव रूट में है, स्क्वायर रूट में, वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। तो इसमें ये बोला है इफ नॉट, अगर नहीं है तो उसका एक एग्जांपल दो, जैसे कि हम लिखते हैं √2+√2, तो ये हो गया, तो हम इसको प्लस करेंगे तो आ गया √2+2, 4, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2, तो ये हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। सो ये हमने करा हुआ है, तो इसको हम फिर से करते हैं। सो हाउ √2, √5 कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, √5 नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए पहले हमें करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये लाइन है, ये हमारा ओरिजिन, तो हम इसको मानते हैं ओ, मैं 0 मानते हैं इसको, ये 1, यहाँ पे 2, सेम यूनिट होनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे ये लिया है 2 यूनिट, ओके। अगर हम 1 में बनाते तो हमें यहाँ तक जाना पड़ता, लेकिन हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और 4 अगर हम रूट में 4 करेंगे, वैसे वो होता नहीं है, तो वो आएगा कुछ 2 यूनिट में, ये आता है ना 4, √2 होता है 2, तो हमें 2 मिल गया, और √5 हम इसके यहाँ तक बनाएंगे, तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे बनाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सीधी, एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सीधी बनाएंगे, 2 पे बनानी है, ठीक है, 2 पे बनानी है ये, और ये होगी 1 यूनिट, ये होगी 1 यूनिट, और ये नीचे वाला होगा 2 यूनिट, ये होगा 2 यूनिट। अब इसको हम यहाँ से बिल्कुल सीधे से कनेक्ट कर देते हैं, फिर हम यहाँ से पॉइंटिंग टेप रखेंगे कंपास की, और एक पेंसिल वाली टेप यहाँ पर रखेंगे, और वो नीचे को ले जाएंगे, तो ये आ गया √5,
ठीक है आगे रूट फाइव। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो जल्द से जल्द लाइक से सब्सक्राइब करना, बल्कि जाने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय मिलती रहे। तो गुड बाय।